1927 जब भारत अंग्रेजों के अधीन था और साइमन कमीशन का गठन कभी भी हो सकता था, उसी साल उत्तराखंड के टिहरी में जन्म हुआ इस महान शख्सियत का। महज 13 साल की उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए, जिसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा। 22 की कम उम्र में वो सोशल एक्टिविस्ट मीराबेन एन थक्कर बापा से मिले। उसके कुछ समय बाद ही इन्होंने अनटचेबल्स के लिए कई सारे स्कूल्स भी खोले। आचार्य विनोबा भावे के कहने पर इन्होंने हिमालयों में पदयात्रा शुरू करी और हिमालयों में अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से बढ़ती तबाही का अनुभव किया। उस समय बाद ही इनको एहसास हो गया पर्यावरण और इनका रिश्ता अटूट है। कल उत्तराखंड के एम्स में कोविड से इनकी मृत्यु हो गई। ये हैं चिपको आंदोलन के लीडर सुंदरलाल भगुना। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी उड़ान। पद्म विभूषण से सम्मानित चिपको आंदोलन के जनक और पर्यावरण गांधी कहलाए जाने वाले सुंदरलाल भगुना जी की कल मृत्यु हो गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा इन मूवमेंट्स में। ये गांधीयन आइडियोलॉजीज पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, जैसे कि सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, पीसफुल प्रोटेस्ट, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस। इनका कहना था, इनका मानना था कि इकोलॉजी इज दी परमानेंट इकोनॉमी। आइए जानते हैं चिपको मूवमेंट से रिलेटेड सब कुछ। एपिको मूवमेंट क्या था, चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ और सुंदरलाल जी का क्या रोल रहा, एंटी थेरी डैम प्रोटेस्ट में उनका क्या रोल रहा, आइए जानते हैं। फर्स्ट रिकॉर्डेड एविडेंस जो हम लोगों को चिपको मूवमेंट से रिलेटेड मिलता है, वो मिलता है 1730 AD में खिजराली विलेज जोधपुर में। 363 विश्नोईज दैट वॉज लेड बाय अमृता देवी, इन लोगों ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया खेजरी ट्री को बचाने के लिए। खेजरी ट्री बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है बिश्नोई कम्युनिटी में, प्लस ये स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान भी है अभी। तो इस ट्री को बचाने के लिए इन लोगों ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया। चिपको मूवमेंट का पहला एविडेंस हमें वहीं से मिलता है। आइए जानते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड। इंडो चाइना का वॉर हुआ था 1962 में और उसके बाद यूपी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिली, स्पेशली पिछड़े इलाकों में जो कि बॉर्डर के आसपास थे। तो आप सभी जान सकते हैं कि हम 1962 वॉर के बाद समझ गए थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हम लोगों को पूरी करनी पड़ेगी, स्पेशली रोड्स, हम लोगों के टैंक्स और वो सब ही नहीं जा पा रहे थे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, सारे फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट करा, वहाँ से रोड्स बनाना स्टार्ट करी और रैम्पेंट फॉरेस्ट कटिंग स्टार्ट हो गई, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गया, वुड लॉगिंग कंपनीज आ गई बाहर से। तो वुड लॉगिंग कंपनीज का मतलब क्या हुआ, पेड़ काटने के लिए कंपनीज आएंगी बाहर से, मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन कंपनीज हमारे इंडिया में आ गई काटने के लिए। और उसका जो कॉन्सिक्वेंस हुआ वो बहुत ही डरावना था, फ्लड्स आए वहाँ पे बहुत ज़्यादा। उसके बाद इन 1964 चंदी प्रसाद भट्ट जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करते हैं जिसको कहते हैं दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल, DGSM। और इस DGSM का जो बेसिक एम था वो ये था कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का प्रमोशन हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर पाएँ वहीं के आसपास के लोकल रिसोर्सेज को, लाइक फॉरेस्ट के ट्रीज़ या फ्रूट्स, और वहाँ से विलेजर्स को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ये था बेसिक एम। अब होता क्या है, फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है 1973 अलकनंदा वैली में। होता क्या है, कहानी मैं आपको बताता हूँ। विलेजर्स और DGSM को गवर्नमेंट मना कर देती है कि आप पेड़ नहीं काटेंगे एग्रीकल्चरल टूल्स बनाने के लिए, और इवन जबकि गवर्नमेंट जानती है कि लाइवलीहुड भी डिपेंड है उनका उसी पे, तब भी गवर्नमेंट मना कर देती है। इनफैक्ट एक हाथ पे वो उनको मना करते हैं, दूसरे ही हाथ पे एक्सपोर्टिंग गुड कंपनी को, बहुत बड़ी कंपनी को बहुत बड़ा रिसोर्स एक फॉरेस्ट का दे देती है और वो कहती है कि आप काट लीजिए। इसी बात पे DGSM को और वहाँ के लोगों को आता है गुस्सा और वो जाकर प्रोटेस्ट कर देते हैं, जाकर चिपक जाते हैं पेड़ों से और कहते हैं या तो आप हमें काटो या पेड़ को काटो। देखिए फाइनली DGSM को वहाँ पर सक्सेस मिलती है और जो स्पोर्टिंग कंपनी का परमिट होता है उसको गवर्नमेंट कैंसिल कर देती है। अनदर मेजर इवेंट इन द चिपको मूवमेंट हिस्ट्री वॉज इन द गढ़वाल हिमालयस इन 1974। होता क्या है, गौरा देवी को एक बच्चे के द्वारा पता चलता है कि रेमी विलेज को खाली करा दिया गया है और वहां पर लोकल लॉगर्स आ गए हैं वुड को कट करने के लिए। गौरा देवी सारी वुमेन को मोबिलाइज करती हैं और जाकर बिल्कुल भिड़ जाती हैं और वो कहती हैं कि आप अगर इस वुड को काटोगे तो उससे पहले आपको हमें मारना पड़ेगा। वो फॉरेस्ट को वन देवता बताती हैं और उसी फॉरेस्ट को अपना माइका बताती हैं।
अब बात करते हैं कि सुंदर लाल जी का क्या रोल था इस शिपको मूवमेंट में। ही गैदर्ड मास सपोर्ट। 5,000 किलोमीटर्स ही ट्रैवल्ड ऑन फुट फ्रॉम वन विलेज टू अनदर। ही ऑल्सो मेट विद इंदिरा गांधी और उस मीटिंग का रिजल्ट ये रहा कि 15 साल के लिए वुड कटिंग पर बैन लग गया। आपको उनके कमिटमेंट का लेवल बताते हैं। ही रिफ्यूज पद्मश्री अवार्ड इन 1981 बिकॉज उस समय भी हिमालयस में डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। अब बात करते हैं एपिको मूवमेंट से रिलेटेड। इन लोकल लैंग्वेज एपिको का मतलब होता है गले लगाना। ये मूवमेंट चिपको मूवमेंट से इंस्पायर्ड था। चिपको मूवमेंट की मास लेवल की सक्सेस को देखकर ये मूवमेंट सदर्न इंडिया में भी स्टार्ट हुआ। इन 1983 कर्नाटक में सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ और वहां पर सून इट बिकेम अ सदर्न इंडिया मूवमेंट। अब बात करते हैं कि सुंदरलाल जी का क्या रोल रहा एंटी तेहरी डैम प्रोटेस्ट में। उससे पहले जानते हैं कि तेहरी डैम क्या है। तेहरी डैम इंडिया का टॉलेस्ट डैम है। ये डैम भागीरथी रिवर पर है नियर तेहरी इन उत्तराखंड। इट इज़ अ मल्टीपर्पज डैम। बहुत सारे कामों में यूज होता है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पर्पज, इरिगेशन पर्पज, ड्रिंकिंग वाटर पर्पज। तो अब जानते हैं कि इश्यूज क्या थे, क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके खिलाफ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो रहा वो ये था कि जो ये डैम है ये मेजर सीज़मिक गैप पे लाई करता है, हिमालयन सीज़मिक गैप, और यू कैन से मेजर फॉल्ट जोन। इट मीन्स इन शॉर्ट यहाँ पर अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर ऐसा होता है तो डाउनस्ट्रीम पब्लिक जितनी भी नीचे रहती है वो सबको डूबने का, फ्लड्स आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड में कितना फ्लड्स आ रहे हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया वो था रीलोकेशन ऑफ पीपल। अगर कहीं पे भी डैम बनता है तो रीलोकेशन होता ही होता है, एंड गवर्नमेंट वॉज नॉट कंसिडरिंग द रीलोकेशन ऑफ पीपल एट दैट टाइम। थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसके लिए वो हमेशा से खड़े रहे हैं वो था डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था और डैम्स को बनाने के लिए बहुत मैसिव लेवल पे ट्रीज की कटिंग हो रही थी। अब बात करते हैं सुंदरलाल जी का क्या रोल रहा। क्या प्रोटेस्ट में उन्होंने वायलेंस का यूज़ किया? जी नहीं। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ गांधी। सो गांधी के फॉलोअर थे तो उन्होंने गांधी जी का ही फॉर्मूला अपनाया, हंगर स्ट्राइक। अपनी बात मनवाने के लिए ही वेंट फॉर 45 डेज हंगर स्ट्राइक आफ्टर द एश्योरेंस गिवन बाय द पीवी नरसिम्हा राव द देन पीएम। उन्होंने अपना फास्ट तोड़ा बट जब उनको लगा कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है ही अगेन वेंट फॉर द फास्ट फॉर 74 डेज। हुआ कुछ नहीं, अल्टीमेटली डैम बना बट लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई, लोगों के अंदर जागरूकता फैल गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। कुछ और प्रोमिनेंट लीडर्स एंड उनके मूवमेंट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, प्लीज़ इनको देख लीजिए। इट माइट बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर आर वीडियो। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए। हम सब मिलकर चाहते हैं कि उनको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूपीएससी उड़ान।